देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर की आवाज। सतलापुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो मूर्ति चोरों को किया गिरफ्तार, 4 लाख का माल किया बरामद। औद्योगिक शहर के एक कारखाने में सेंध लगाकर लाखों रुपए का माल चोरी करने वाले दो चोरों को सतलापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों ने बीते दिनों अष्ट धातु की मूर्ति बनाने वाली कंपनी का ताला तोड़कर निर्माणाधीन मूर्ति का सामान चुरा लिया था। चोरों ने मूर्ति के लिए तैयार किए गए करीब 300 किलो के पीतल के पैर चोरी कर लिए। सतलापुर थाना पुलिस ने कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ की, तो आरोपी कटी घाटी मंडीदीप से पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया माल भी बरामद कर लिया है। इस संबंध में सतलापुर पुलिस थाना प्रभारी राजेश तिवारी पूरी जानकारी देते हुए, ये औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्री एरिया में एक सिवांस इंडस्ट्री करके है, जहाँ पे स्टैच्यू मूर्ति वगैरह बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्री में बनाई जाती है। तो माननीय जालम सिंह पटेल जी, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक नरसिंहपुर द्वारा राजा हृदय साई जी की विशाल मूर्ति बनाने का ऑर्डर कंपनी को दिया गया था, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था और निर्माण में वो अलग अलग पार्ट्स मूर्ति के बना लेते हैं, वो बना के रखते जाते हैं और बाद में फाइनल होने के बाद उसको जोड़ देते हैं। तो 18-19 अप्रैल की दरमियानी रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मेन गेट का और हॉल का ताला तोड़कर और जो निर्माणाधीन मूर्ति थी उसके पार्ट्स पीतल के लगभग 300 किलोग्राम चोरी करके ले गए थे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 457-380 के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस अधीक्षक लाइसेंस श्रीमती मोनिका शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम गठित कर विवेचना की गई। विवेचना पे आरोपी सोहेल खां एवं यूसुफ खां को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 300 किलो पीतल जब्त किया गया है 4 लाख रुपये कीमत का, और इनके द्वारा वो जो चोरी का माल है वो एक 4 व्हीलर वाहन में ले जाया गया था, उस वाहन को भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। आरोपियों से और भी चोरी के बारे में पूछताछ की जा रही है।